हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। मेरे चैनल के एक मेंबर हैं तरु सिंघानिया जी, उन्होंने ही आज के वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया है और मुझे भी लगा कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर मेरा अभी तक कोई भी वीडियो नहीं है, जबकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है उनमें से कई पेशेंट्स ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में और कई महिलाएं इससे सफ़र करती हैं और कई बार इसके और कोई लक्षण भी पता नहीं चलते, सिर्फ एक जो लक्षण होता है पेशेंट का वो यही होता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो ऐसी भी कई केसेस होती हैं। इसके अलावा ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें लक्षण ज़रूर होते हैं लेकिन पेशेंट पहचान नहीं पाते हैं और जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के क्या लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण आपकी बॉडी में है तो आपको जरूर सस्पेक्ट करना चाहिए कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है और उसकी वजह से शायद आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि कंसीव नहीं कर पाना या फिर बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, आपके पीरियड्स बार बार डिले होना या पीरियड्स बंद हो जाना या पीरियड से रिलेटेड और कोई एबनॉर्मैलिटी आपकी जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकती है। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होती क्या है। देखिए, ज्यादातर हम लोग जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस की एक लंग्स से रिलेटेड बीमारी है या लंग्स अफेक्ट होती हैं ट्यूबरक्लोसिस से, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग्स के अलावा बॉडी में और भी ऑर्गन्स होते हैं जहां तक अगर जो इसका बैक्टीरिया होता है जिससे ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर ये पहुंच जाता है आपकी बॉडी के और पार्ट्स में तो वहां की भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। तो इसलिए टीबी सिर्फ लंग्स की ही नहीं होती है, लिम्फ नोड्स की भी टीबी होती है, बोन्स की, हड्डियों की, जॉइंट्स की टीबी हो सकती है। और उसी तरीके से अगर ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली इसका जो प्राइमरी फोकस होता है यानी कि पहली बार जो ऑर्गन आपका अफेक्टेड होता है ट्यूबरक्लोसिस से वो आमतौर पे ज्यादातर लंग्स ही होता है। लंग्स से अगर ये बैक्टीरिया आपके ब्लड के थ्रू या आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू और ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है तो वहां का भी इंफेक्शन हो जाता है। अब अगर हम जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लें तो ये जनरली प्राइमरी इंफेक्शन नहीं होता है। पहले कोई और पार्ट आपका इन्फेक्टेड रहा होगा ट्यूबरक्लोसिस से, वहां से ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया अगर आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंचना है तो फिर ये उनको अफेक्ट करता है। जनरली सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के बाद जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट होती है टीबी से। रेयरली ओवरीज अफेक्ट होती हैं और बहुत कम सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह अफेक्ट हो सकता है, वल्वा और वेजाइना और भी कम केसेस में अफेक्ट होते हैं, करीब 1% केसेस में ही अफेक्ट होते हैं। अब इस तरीके से अगर आपके जेनाइटल पार्ट्स में ट्यूबरक्लोसिस पहुंच जाती है तो इसका सबसे मेन जो बैड इफेक्ट होता है वो तो यही होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं ऐसी महिलाएं। अगर गलती से कंसेप्शन हो भी जाता है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर पाती है, ऐसा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, और अगर टाइम से इसको ट्रीट नहीं किया गया, टाइम से रिमूव नहीं किया गया तो माँ की जान को भी इसमें खतरा होता है क्योंकि अगर ट्यूब फट गई तो उस कंडीशन में मदर की लाइफ को रिस्क होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स को ही नहीं अफेक्ट करती है, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर मेल के यानी कि हस्बैंड को अगर टीबी कभी रही हो और उनका जो ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है अगर वो टेस्टिकल्स तक पहुंच जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है ऐसे कपल्स की, तो ये मेल फीमेल दोनों के जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है और अगर अफेक्ट करता है तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षण क्या होंगे जिनसे कि आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। तो कई केसेस में तो ऐसा होता है कि कोई भी लक्षण नहीं होता है पेशेंट में और उनको जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी तो वो ही एक सिम्टम होता है इस बीमारी का, और जब वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस या जांचें कराते हैं तो उनके डॉक्टर्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको जेनाइटल्स में ट्यूबरक्लोसिस है जिसकी वजह से कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी हम उन केसेस की बात कर लेते हैं जिनमें कि जनरली लक्षण होते हैं जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस को सस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो अगर आप में पहले कभी लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस हुई है और अब आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रांग सस्पिशन रखिए, एक स्ट्रांग संभावना है कि आपको जेनाइटल्स की ट्यूबरक्लोसिस हो गई हो, यानी कि अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की। इसके अलावा अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं थी लेकिन आपके परिवार में किसी और को ट्यूबरक्लोसिस थी, टीबी थी, तो उस कंडीशन में भी एक स्ट्रांग संभावना है कि अब अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो हो सकता है कि आपको जेनाइटल्स की ट्यूबरक्लोसिस
हो। अब हम उन लक्षणों की बात कर लेते हैं जो जनरली जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के केस में मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हो सकता है कि पेशेंट का जो वेट है, वजन है, वो घटने लग जाए, उसका कारण नहीं समझ में आ रहा हो क्यों वेट लूज होता जा रहा है। साथ में लो ग्रेड का फीवर बना रहता है, यानी कि फीवर बहुत तेज तो नहीं जाता है, बुखार हल्का ही रहता है लेकिन कंटिन्यूअसली बना रहता है। पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत ज्यादा कमजोरी पेशेंट के शरीर में आ जाती है। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेंसेस है वो अफेक्ट होती है, या तो आपके पीरियड्स एकदम रुक जाते हैं, कई महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपके पीरियड्स ही नहीं आए, या फिर ऐसा होता है कि पीरियड्स साल में बहुत कम आते हैं, 2-3 महीने में एक बार पीरियड आता है, इस तरीके की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पीरियड बहुत ज्यादा आए, यानी कि आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो ये भी एक सिम्टम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको इररेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, पूरे महीने में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रह रही है, तो ये भी एक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सेक्स के दौरान पेन हो रहा है, दर्द होता है, या सेक्स करने के बाद दर्द होता है, तो भी ये जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण होता है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको काफी दर्द हो रहा है, इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके वेजाइना में से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ल्यूकोरिया की कंप्लेंट बनी हुई है और कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से आपको बैड डिस्चार्ज हो रहा हो। कई बार आपका जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना में से, उसमें ब्लड मिक्स्ड आता है, ये भी एक कॉज हो सकता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण होते हैं। इसके अलावा आपका जो लोअर एब्डोमिन होता है, उसमें आपको पेन बना रहता है, हर वक्त दर्द होता रहता है, या फिर रुक रुक के अगर दर्द होता हो, इस तरीके का डिस्कम्फर्ट उस एरिया में बना रहता है। कई बार एब्डोमिन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप बाहर से भी देख सकते हैं कि आपका जो लोअर एब्डोमिन है उसमें सूजन आई हुई है, तो ये भी एक जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम होता है। तो अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं आपके अंदर और साथ में अगर पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री रही है ट्यूबरकुलोसिस की, तो ज़रूर आपको जांचें करानी चाहिए टीबी के लिए। उससे पता चलेगा कि आपको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। जनरली इसके लिए जो जांचें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाएगी, लैप्रोस्कोपी करी जाएगी, इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे कि डायग्नोसिस बनती है टीबी की। तो इस तरीके से जांचें कराना काफ़ी ज़रूरी वहाँ पे हो जाता है, तभी आप टीबी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब इसके लिए जैसे लंग्स का ट्रीटमेंट होता है, जब लंग्स में टीबी होती है तो आपका 6 महीने या 9 महीने का कोर्स चलता है पूरा दवाइयों का। तो अगर आपकी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस आती है निकल के जांचों में, तो आपका भी 6 महीने या 9 महीने का पूरा ट्रीटमेंट चलेगा उन दवाइयों का, साथ में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और उनको ठीक हो जाती है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आता है, यानी कि आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इवन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस रही है किसी पेशेंट को, और दवाइयों और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट हो चुका है, तो भी ऐसा देखा गया है कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत फिर भी आती है। और जनरली अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइव प्रेगनेंसी जिनकी होती है और जो हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाते हैं, लेकिन ऐसा परसेंटेज जो होता है पेशेंट्स का वो कम ही होता है। तो इसमें जो प्रोग्नोसिस है इनफर्टिलिटी के रिलेटेड अगर हम बात कर लें, तो काफी कम पेशेंट्स में ही ऐसा होता है कि वो सक्सेसफुल उनकी प्रेगनेंसी हो पाती है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कई बार कंसीव करने में दिक्कत तब भी रहती है। हालांकि अभी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, आज की डेट में काफी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी हेल्प से आप कंसीव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर जो लक्षण मैंने आपको बताए, या फिर कोई भी डायग्नोसिस नहीं बन रही है और अनजान कारणों की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एक कारण हो, चाहे वाइफ में चाहे हस्बैंड में। तो इसलिए अगर इस टाइप के लक्षण आपके अंदर हैं, तो ज़रूर अपने जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आप जाके एक बार अपने लक्षण बताइए, अपने आप को एग्जामिन करवाइए, जो जांचें वो बोलें वो जांचें करवाइए, ताकि आपकी एक सही डायग्नोसिस बन सके जेनाइटल टीबी की। इंडिया में ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, इतना लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में, और कई महिलाएं इसकी वजह से प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल का आइकन है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।